जय हिंद। आज हम फ्रेश कार्ड की सीरीज में एक लेवल और आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट, हम बच्चे की स्पॉन्टेनियस वोकलाइजेशन पे देखते चेक करके देखते हैं बच्चे को कितना, जो कुछ भी हमने फ्रेश कार्ड के थ्रू पढ़ाया था या जो कुछ भी प्रीवियस हमने पढ़ाया था, बच्चे को देखते हैं कितना जो है गेन हुआ है, वो कितना उसे रिकॉल कर पाता है बच्चा। तो जनरली हम क्या करते हैं, फ्लैश कार्ड दिखाते हैं और फ्लैश कार्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज बलून, व्हाट इज दिस, इग्लू, व्हाट इज दिस, एलिगेटर। सो नाउ वी डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चन इन दिस मैनर, हमें क्या करना है, सडनली क्वेश्चन पूछना है एंड वन बाय वन आफ्टर वन ऐसे क्वेश्चन पूछना है, लेकिन बच्चे को टाइम नहीं देना है, हम उसका एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चेक करना चाहते हैं बच्चे का, उसने कितना कुछ सीखा है, वो कितना अपना ब्रेन यूज कर पाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बलून, इग्लू, एलिगेटर, कंगारू, लायन, लायन, आयन, एलिगेटर, जैम, ईयर्स, ग्रास, लाइक दिस। ओके, तो अगर बच्चा इस तरीके से आपके सारे आंसर्स देता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि बच्चा आपके सिखाए हुए पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और सडनली अगर आप उसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उस चीज को आंसर दे रहा है, यानी कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो सारी चीजें विजुअल्स देख करके ही सडनली वो प्रॉम्प्ट आंसर कर रहा है। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से आप जो ये लेवल्स एक के बाद एक बढ़ाते चले जा रहे हैं वो बच्चा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, फाइन।